दोस्तों Realme ने आज इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन Realme 12X 5G को लॉन्च कर दिया है, जहां से इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, ऑफिशियल प्राइसिंग, हम इस स्मार्टफोन को कब से कहां से परचेज कर सकते हैं, हर एक चीज़ बाहर निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहां पे कन्फ्यूजन अब क्रिएट हो रही है कि भैया हमें कौन से वेरियंट पर कितने का ऑफ देखने को मिलने वाला है। तो कौन से वेरियंट पर कितने का ऑफ देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट है स्मार्टफोन के और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग का ऑफ देखने को मिल रहा है। तो सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ Realme 12X 5G से रिगार्डिंग। तो बस आप इस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा और साथ में यही बता दूंगा आपको कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो बस आप इस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme 12X 5G के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट ला कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देना अच्छी बात है, बड़ी बात है। एंड IPS LCD ही पैनल हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, AMOLED विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट उम्मीद फिलहाल नहीं किया जा सकता है। तो जिस प्राइस पे लॉन्च करा गया उस प्राइस पे डिस्प्ले बहुत अच्छी है। सामने की तरफ जो है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अगेन जिस प्राइस पे आया है ठीक ठाक है, जो कि पंचोल स्टाइलिंग के साथ में आता है, हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। बैक की तरफ जो आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल AI रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, सिर्फ कहने के लिए डुअल AI रियर कैमरा है, मानकर चलो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। सेकेंडरी कैमरा इग्नोर करके चलना है कि सेकेंडरी कैमरा है ही नहीं स्मार्टफोन में। एंड बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000mAh की बैटरी यूज करी गई है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है इसका चार्जिंग स्पीड, यहाँ पे आपको 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर भी 45 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो घबराया नहीं है, 45 वॉट के चार्जर से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 60 100+ 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, अगेन जिस प्राइस पे लॉन्च करा गया उस प्राइस पे काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, हम चिपसेट ज्यादा शिकायत कर ही नहीं सकते हैं। देखिए फोन में जो स्पेक्स प्रोवाइड करे गए हैं हम इसको बुरा बोल सकते हैं, बट जब ये प्राइसिंग जो बाहर निकल कर आई है उस प्राइसिंग को देखने के बाद हम इसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि इस प्राइस पे इसे बेटर प्रोवाइड किया जा सकता था। नहीं भैया, जिस प्राइस पे जो Realme प्रोवाइड करी है बहुत तगड़ी बात है। एंड वो चिपसेट मैंने आपको बताया MediaTek की तरफ से Dimensity 60 100+ 5G चिपसेट, ये 5G मॉडेम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन 5G बन जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे IPS LCD पैनल यूज करा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। 3.5 mm जैक भी है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, SD कार्ड लाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, लिटरली जिस प्राइस पर उस प्राइस पर डुअल स्पीकर प्रोवाइड कर रही है कंपनी, काफी ज्यादा तगड़ी बात है। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। अब भैया क्या ही चाहिए, मतलब मैं क्या ही बोलूं इसमें, अब क्या ही चाहिए हमें, ये भी सब देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन में खास बात यह है कि आपको AR जेस्चर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो हाथ ऊपर रख के काम वगैरह करा सकते हो। एंड IP54 का रेटिंग भी देखने को मिल जाता है, तो स्पेक्स जो है कूट कूट कर भरे गए हैं, बट प्राइसिंग उतने कूट कूट कर नहीं रखी गई है, प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव रखी गई है। अब चलिए प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन मार्केट में 3 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। बेस वेरिएंट शुरुआत होता है 4+128 से, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 12,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों 12,000 रुपीज़। दूसरा वेरिएंट है 6+128, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 13,500 रुपये। तीसरा वेरिएंट है 8+128, जिसकी प्राइसिंग 15,000 रुपये रखी गई है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे 4+128 या फिर 8+128 लेते हो, तो यहाँ पे जो आपको 1,000 का ऑफ देखने को मिलेगा, जिसके बाद उसकी इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 11,000 रुपये और 14,000 रुपये। बट अगर आप 6+128 वाला लेते हो तो यहाँ पे आपको 1,500 का ऑफ देखने को मिलता है, कार्ड डिस्काउंट है, जिसके बाद उसकी इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 12,000 रुपये। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो 6+128 वाला ही लेना, 4+128 वाला स्किप कर देना, 4GB रैम है वो नहीं लेना, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ऑफर लगाकर आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये में। और 12,000 रुपये में आप स्मार्टफोन को पकड़ पाते हो 6+128, तो बहुत तगड़ी डील है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात आती है कि मैंने जो आपको 1,000 का 1,500 ऑफ बताया वो कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप HDFC या फिर SBI या फिर ICICI का कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 1,000 और 1,500 ऑफ देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसका जो अर्ली बर्ड सेल है आज से, मतलब 2 अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा अर्ली बर्ड सेल के अंदर, आप जाकर परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट से ऊपर आप परचेज कर सकते हो, रियलमी के ऊपर, मतलब रियलमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर जाकर परचेज कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों एक्चुअल प्राइसिंग इसकी बेस वेरिएंट की 12,000 रखी गई है, ऑफर के बाद 11,000, मतलब 11-12,000 रुपये के अकॉर्डिंग जो स्पेक्स प्रोवाइड करी है रियलमी,
लिटरली बहुत दिनों बाद मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि रियलमी अब धीरे धीरे जो है एग्रेसिव प्राइसिंग की तरफ फिर से बढ़ रही है, धीरे धीरे जो है अच्छा काम करने की शुरुआत कर रही है। लास्ट में भी उन्होंने देखा प्रीवियस फोन लॉन्चेज में काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग अब रियलमी रख रही है। तो हाँ, ये फोन को मैं बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी 11-12 हज़ार बजट है तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो, बहुत तगड़ी स्मार्टफोन है, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है और स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ मैं इस स्मार्टफोन को। अगर आपको 12 हज़ार में कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। खैर, यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था रियलमी 12X 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।